प्राचीन हमारे समस्त महानुभव मेरे सामने बैठे हुए रायसेन की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन नहीं मेरे तो परिवार के सदस्यगण यहां मौजूद हैं और मेरे पास में खड़े हो आपका ही बेटा आपका ही भाई इस रायसेन जिले का और सांसी का एक सच्चा जनसेवक आप सभी का प्रभु राम चौधरी जी। पहले तो धनतेरस के दिवस पर मेरे सभी रायसेन के भाई बहनों को मैं दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब की सोच है कि आपका विकास आपकी प्रगति आपकी खुशहाली सुनिश्चित करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि जिंदगी में हम लोग सपने देखते हैं उन सपनों को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना संकल्प बनाता है। आपके सपनों को हम सब अपना संकल्प बनाते हैं और एक बार आपका सपना हमारा संकल्प बन गया तो जिंदगी के आखिरी सांस तक हर पसीने के बूंद और खून के कतरे से उस संकल्प को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत और उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहते हैं। सपना को संकल्प में परिवर्तित करना, संकल्प को सिद्धि तक ले जाना, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है और उसी के तहत प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट लक्ष्य था कि भारत को हमें तेजी से बढ़ाना हो। हम 10वें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थे 2014 में, 9 साल में हम विश्व के 5वें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में आ चुके और अगले 4 साल में मतलब 2027 तक हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। पर यह कब संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब देश की 140 करोड़ जनता को सशक्तिकरण का रास्ता हम दिखा पाए ताकि एक एक जनता जनार्दन चाहे रायसेन की हो चाहे सांची की हो चाहे जबलपुर की हो चाहे मां कौशल की हो चाहे खंडवा की हो चाहे उज्जैन इंदौर की हो चाहे ग्वालियर चंबल की हो चाहे भोपाल की हो चाहे सागर की हो मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति में और मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के साथ देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान दे। और इसलिए प्रधानमंत्री का यह संकल्प और यह प्रण कि गरीब शोषित वंचित पीड़ित वर्ग का उत्थान हमें करना होगा। हम विश्व के सबसे बड़ी आबादी के देश, अपार मानव संसाधन की क्षमता है, लेकिन आपके हाथों में वो हथियार देना होगा जिसके आधार पर मां भारती के विकास और प्रगति में ज्वालामुखी की तड़प के साथ आप लोग आगे बढ़ पाओ। और इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की ताकि इस देश में एक भी गरीब कभी भी खाली पेट न सोए। तालियां थोड़ी कम बजी, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर के माह में समाप्त हो रही है, तो सबको चिंता है कि दिसंबर के बाद क्या होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें से 80 करोड़ इस देश के गरीबों को, 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, अगले 5 साल और चलेगा मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहते हैं कि मोदी है चाहे एक तरफ गरीब कल्याण अन्न योजना, वहीं दूसरी तरफ प्रभु जी का व्यवहार। इस देश के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं होता, डॉक्टर के यहां जाना चाहते हैं पर साधन नहीं। और उसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने 37 करोड़ आयुष्मान कार्ड पूरे देश में वितरित किया है। मध्य प्रदेश में प्रभु राम जी ने 4.25 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया है, ताकि 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सेवा निशुल्क मेरी गरीब जनता ले पाए। और इसलिए कहते हैं कि मोदी है, अरे मोदी है। देश के लाखों लोगों के पास 21वीं सदी के भारत में भी इस कांग्रेस के 65 साल के राज के बाद बहुत का गरीबी हटाओ का नारा, बहुत का रोटी कपड़ा और मकान मिला नहीं। ये पीछे हो जाएंगे, आप नीचे हो जाएंगे, आपके पीछे लोग बैठे। हम दूसरों को उपदेश देने के पहले अपने आप का आचरण भी देखें। आप खड़े थे, आपके पीछे मेरे परिवार बैठी हुई है। भैया बहुत धन्यवाद आपका। मैं कह रहा था रोटी कपड़ा और मकान, कितने साल ये नारा चला, 65 वर्ष कांग्रेस के एक एक प्रधानमंत्री ने नारा चलाया था, गरीबी हटाओ। RKM, रोटी कपड़ा और मकान। मिला किसी को रोटी, मिला किसी को कपड़ा, मिला किसी को मकान। 65 वर्ष में देश में केवल 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बने थे, पिछले 9 वर्ष में 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। और इसलिए कहते हैं मोदी है तो, अरे पीछे से बोलो मोदी है तो। और गुना में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अभी 3 दिन पूर्व जब गुना आए थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेगा वो अब परिवार के अंदर पुरुष के नाम पे नहीं होगा। महिलाओं के नाम पे रखा जाएगा। परिवार की पूंजी पुरुष और महिला दोनों के नाम पे होना चाहिए।
आज खेत पुरुष के नाम पे, जमीन पुरुष के नाम पे, गाड़ी पुरुष के नाम पे, ट्रैक्टर पुरुष के नाम पे, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश है महिला सशक्तिकरण का कि अब प्रधानमंत्री का घर बनेगा आवास योजना में। अरे इतनी कंजूसी क्या कर रहे हो, बजाओ गाने, आपकी तो घरवाली है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है और 2003 के पहले एक सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो सरकार का नाम था, क्या था सरकार का नाम? एक तो वो नाम था, एक और नाम था दूसरा नाम, वो तो 2018 2003 के पहले जो सरकार मध्य प्रदेश में थी उसका नाम था लापता सरकार। क्यों? बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता। आज अगर मैं आया हूं तो इस देश का सच्चे जनसेवक, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, देश का सच्चा जनसेवक हमारे, आपके और मेरे, हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के लिए। मुझे इनके साथ अनौपचारिक रूप से 40 साल हो गए, जब मैं बच्चा था पहली बार जब प्रवास में मेरे पूज्य पिताजी ने भेजा सन 1984 के चुनाव में, मुझे अकेले भेज दिया, तब उस चुनाव कैंपेन में भी प्रभु डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अनौपचारिक रूप से 20 साल और औपचारिक रूप से, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कह रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के साथ मुझे काम करना चाहिए। आपको मेरे भाइयों और बहनों बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। आपके सामने जो आपका सेवक, आपका परिवार का बालक खड़ा है, बहुत कम लोगों का गारंटी मैं लेता हूं, मैं कांग्रेस की तरह 2G 5G 11G का आदमी नहीं हूं। जो गारंटी देती है कांग्रेस, इस बार 5G की गारंटी दे दी, 11G की गारंटी दे दी, ये गारंटी नहीं है, ये 2G 5G की गारंटी नहीं है, ये घोटाले की गारंटी है, घोटाले की। और मैं गारंटी लेता हूं, ये सिंधिया परिवार का मुखिया आपको कह रहा है, आपके पास सांची भूल जाओ, मध्य प्रदेश में मेरे प्रभु से ज्यादा अच्छा जनसेवक नहीं मिलेगा। लगन से, मन से, दिल से, मेहनत से, परिश्रम से, पसीने से, खून से, अगर इनके शरीर के एक एक बाल में, रोम रोम में कोई नाम है तो वो केवल रायसेन और सांची का नाम है मेरे भाइयों में। कई लोग आते हैं राजनीति में, कुर्सी और पावर के लिए, पर प्रभु राम जी जो डॉक्टर थे, मेरे पूज्य पिताजी ने जब इनको पहले मिले थे ना, ये राजनीति में नहीं थे,
प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, छोटा सा अपना क्लिनिक खोला था, मरीजों का इलाज करते थे। मेरे पूज्य पिताजी ने उनमें क्षमता देखी, हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु राम जी चलो मेरे साथ, बोले चलो मेरे साथ। अब प्रभु राम जी को आप जानते हो, ये वो नेताओं में नहीं है जो पैसे के पीछे भागे, कुर्सी के पीछे भागे। बोले नहीं महाराज, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं डॉक्टर हूं, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, राजनीति के दलदल में मैं नहीं आना चाहता। मेरे पूज्य पिताजी बोले प्रभु राम जी, अगर आप जैसे लोग नहीं आओगे तो इस प्रदेश और देश को कैसे बदलेंगे। और बड़े हिचक हिचक के लाया इनको, और आज देखो, अगर मध्य प्रदेश में मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण जनसेवा का, कोमलता का, प्यार का, आशीर्वाद का अगर मध्य प्रदेश में है तो मेरा ही प्रभु है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजाओ। ओ मेरे भगवान कुर्ते वाले, सही है कि नहीं? तो बजाओ ताली, बजाओ ताली। हाँ मेरे सफेद टोपी वाले, और सफेद टोपी वाले, और सफेद टोपी वाले, सही है कि नहीं? बजाओ ताली। पूरा जीवन आपकी सेवा में निकाली है, और आज ये मेरे सामने संकल्प और सौगंध खाते हैं। आपका आशीर्वाद उस चुनाव में प्राप्त होगा, होगा। मेरे सफेद टोपी वाले जो मोबाइल देख रहे हैं, ओ भैया मोबाइल देख रहे हो, आशीर्वाद मिलेगा, मिलेगा। अरे ताली बजाओ अगर मिलेगा, अरे बजाओ ताली, डब्बे पे बजा लो, टूटेगा नहीं। हाँ अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये 5 साल आपकी सेवा नहीं करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं ये जीवन के अंतिम सांस तक आपकी सेवा करेंगे। और ये भी मैं संकल्प ले लेता हूं, मैं कमलनाथ जी नहीं हूं जो यहां आके कहूंगा वोट दे दो, वोट दे दो, मैं विकास करूंगा। मैंने सांची और रायसेन में विकास किया है, मैंने आपके लिए केंद्र विद्यालय लाया है, मैंने आपके लिए नवोद्यालय और पॉलिटेक्निक लाया है, मैंने आपके लिए भोपाल से सांची का बाईपास का 200 करोड़ का सड़क लाया है, मैंने आपके लिए विद्युतीकरण की योजना, खंबा, तार, डीपी, सब स्टेशन, गरीबी रेखा के नीचे 5,000 लोगों के लिए बिजली का कनेक्शन मुफ्त में लाया है। मैं आपसे निवेदन हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि एक वोट आपका, 5 मिनट आपका, प्रभु राम जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जीवन आपका। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? हाथ उठाओ अगर मंजूर है। मेरा भविष्य का मतदाता ने भी हाथ उठा दिया, प्रणाम तुम्हारा बच्चे। मंजूर है? सफेद कुर्ते वाले मंजूर है? अरे सफेद कुर्ते वाले मंजूर है? हाँ मंजूर है? अभी खत्म नहीं हुआ, सब उठ गए, खत्म कर दूं, खत्म करो, खत्म करो, उससे पूछो, उसे पूछो, खत्म करो। दूसरे तरफ
जोड़ी है जोड़ी। छोटे भाई ये मेरे मन से ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, मेरी राजनीति की एक स्तर। ये सिंधिया परिवार है भैया, हमारे असूल हैं, सिद्धांत हैं, मूल्य हैं। शब्दवाली में भी एक क्लिष्टता होनी चाहिए और स्तर होना चाहिए। छोटे भाई ये तो हम कह सकते हैं, जोड़ी है सुहान अल्लाह, 40 साल की जोड़ी है और आज भी दोनों साथ में बहुत जगमगाते हैं। एक जोड़ी है पर इनका लक्ष्य प्रभु जी का लक्ष्य नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लक्ष्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? सही है। और बताओ बताओ, अरे बोलो बताओ या ना बताओ, बताओ हेलो, और बताऊं बताऊं, अरे बोलो बताऊं कि नहीं, अरे ऐसे बोलो कि उनको सुनाई दे मेरी जोड़ी को, बताऊं बताऊं। इनका लक्ष्य क्या क्या, क्या है? कुर्सी। और जब इनको कुर्सी दिख जाती है तो इनके आंखों में क्या चमक आ जाती है, और जब कुर्सी देखते हैं और आंखों में चमक आती है तो जोड़ी, कौन सी जोड़ी? छोटे भाई जोड़ी कुर्सी के पास जाती है और कहती है आजा 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 आजा। सही है कि नहीं? कांग्रेस का किस्सा, कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का है, भारतीय जनता पार्टी का किस्सा आपके आंखों में चमक आए, आपका विकास हो, आपकी प्रगति हो, भारत माता का तिरंगा विश्व पटल पर लहराए, ये कमल के फूल के निशान का एक संकल्प है मेरे भाई और बहन। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा किया किसी का माफ। और अगर प्रभु राम जी ने मेरे साथ मिलकर सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 2500 करोड़ की, जो 12 लाख किसानों का ब्याज माफ किया था, कभी भी संभव नहीं हो पाता। सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब मुझे बताओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप में से कितने लोगों को मिलता है? मिलता है। अब बताओ, अपने जगह पे उड़ जाओ, जिनको मिलता है अपने जगह पे उड़ जाए, आप सबको मिलता है? अच्छा, कितना मिलता है बताओ? 12,000 मिलता है, 6+6, 6 मोदी जी का और 6 अभी सुनाई नहीं दिया, 6 शिवराज सिंह जी का, 6 मोदी जी का और 6 शिवराज सिंह जी का।
अब मुझे बताओ, अगर प्रभु राम जी और हमने सरकार न बदली होती तो आपको शिवराज सिंह जी का 6 मिलता क्या? अब मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? और हमारे जितने लोगों को 12,000 रुपया मिलता है, आप लोग सुन लेना, अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 12,000 रुपया क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई थी, संबल योजना बंद कर दिया था। कांग्रेस की सरकार आई थी, कमल के फूल के निशान के 51 योजनाओं को बंद कर दिया था। तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? आने दोगे? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। 2003 के पहले मध्य प्रदेश बलात्कारों का प्रदेश था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती थी। मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती थी तब समझा जाता था कि बोझ आ गई है। ये कमल के फूल के निशान ने लाडली लक्ष्मी योजना स्वीकृत की। आज मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती है तो बोझ नहीं, लखपति पैदा होती है, लखपति। और अब शिवराज सिंह जी ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरुआत कर दी। कितनी लाडली बहना है यहां मेरी? उड़ जाओ। कितने पैसे मिलते हैं खाते में? 1250 हर महीने मिलते। 7 तारीख को आ जाता है। और मुझे बताओ कि एक फूल प्रधानमंत्री ने कहा था मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे ही आता है, याद है ना? कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था ना, मैं बटन दबाता हूं लेकिन 100 रुपए भेजता हूं लेकिन 15 पैसे पहुंचते। अब आपके खाते में जब शिवराज भैया 1250 दबाते हैं तो कितना आता है? 1250 कितना आता है? 1250 ये प्रधानमंत्री के 30 करोड़ जनधन योजना का कमाल और करिश्मा है मेरे भाइयों। बीज का बिचौली कट, कांग्रेस का बीज का भ्रष्टाचारी। अब 17 तारीख को आपको कांग्रेस को लॉक में बंद करना है। 1250 मिलता है। अब मुझे बताओ आगे भी मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। अरे अभी मुझे थोड़ी ऊर्जा नहीं मिली, बंद कर दे, बंद हो जाना चाहिए। मिलना चाहिए, कितने जोर से मिलना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से कितना जोर से मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बोलो बेटा, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो कान खोल के सुन लो मेरी लाडली बहना, अगर कांग्रेस की सरकार आई आपका 1250। अब आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार, आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन का सीरियल होता था, कौन बनेगा करोड़पति, और जब वहां उत्तर दिया जाता था तो क्या कहते थे? लॉक कर दो, किया जाए, लॉक किया जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक किया जाए। और लॉक करके बड़ा ताला लगाना, लॉक करके
चाबी को बेतवा नदी में फेंक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फेंकोगी लॉक करोगी? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? भोला भाई। अब भोला भाई जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भोला भाई कमलनाथ जी के पास गई और कमलनाथ जी को बोली, कमलनाथ जी महिलाओं के लिए कुछ करो। तो कमलनाथ जी सोच में पड़ गए, करें ना करें, करें ना करें, करें। फिर घूम के भोला भाई को बोले, भोला भाई उठो, भोला भाई उठो आप। फिर घूम के बड़े सोच के कमलनाथ जी ने भोला भाई को कहा, बहना तिजोरी खाली है, निराश होकर भोला भाई वापस रायसेन आ गए। जब प्रभु राम जी और हमने सरकार बदली, भोला भाई शिवराज भैया के पास पहुंचे, शिवराज भैया को बोला, भैया हम महिलाओं के लिए कुछ कर दो। तो जहां कमलनाथ जी ने भोला भाई को कहा, उठो भोला भाई, उठ जाओ भोला भाई, हाँ इतनी जल्दी मत बैठ जाओ, बड़ी मेहनत और मशक्कत तुमने की है, प्रदेश की सारी महिलाओं के लिए तुमने लड़ाई लड़ी है। तो जब भोला भाई शिवराज जी के पास गई तो जहां कमलनाथ जी ने बोला था, बहना तिजोरी खाली है, शिवराज जी ने भोला भाई को कहा, भोला भाई तिजोरी तुम्हारी है। तो एक तरफ मेरे भाई और बहनों धोखे की सरकार है, एक तरफ धोखे की सरकार है और दूसरे तरफ मौके की सरकार है। एक तरफ धोखा का सरकार है, दूसरे तरफ मौका का सरकार है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार है। ये कांग्रेसी कहते हैं, बैठ जाओ, ये कांग्रेसी कहते हैं हमारा तो मोहब्बत का दुकान है, पर इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। ये चुनाव कमल का फूल और कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव मेरे बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित रखने का चुनाव है, ये चुनाव मेरे अन्नदाता और मेरी महिलाओं का भविष्य सुरक्षित रखने का चुनाव है, ये चुनाव मेरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं उस जोड़ी को कहना चाहता हूं, जोड़ी, उस जोड़ी को मैं कहना चाहता हूं कि तू बोए कितनी भी नफरत के बीज, तू बोए कितने भी नफरत के बीज, हम उसे स्नेह का गुलदस्ता बना देंगे। तू बोए कितने भी नफरत का बीज, हम उसे स्नेह का गुलदस्ता बना देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर दे देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर देंगे। तू तबियत से फैला कितनी भी कीचड़, तू तबियत से फैला
कितनी भी कीचड़, तू तबियत से फैला कितनी भी कीचड़, हम उसमें भी कमल का फूल खिला देंगे। तो आने वाले 17 तारीख को मेरे और आपके हमारे प्रभु को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो मेरे भाई और बहनों। और मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन आपने अगर अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया, प्रदान करोगे मेरी लाडली बहना दुकान के अंदर, प्रदान करोगे अरे जोर से बोलो, करोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे। मैं आपको वचन देता हूं कि सांची को एक विधायक नहीं मिलेगा। हाथ उठाकर बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की।